like a Hellcat. हेलो एवरीवन, आज आपके लिए एक ट्रिक्स लाया हूँ, ट्रिक्स टू अलर्ट एंगल, 1 मिनट इक्वलेंट टू 48 फॉर्मूलास। आप 1 मिनट में ही 48 फॉर्मूलास लर्न कर लेंगे। पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो ट्रिक्स है इसको पहले अच्छे से समझना होगा। आप ट्रिक्स को जितने अच्छे से समझेंगे, उसके जो रूल्स है उसको अच्छे से समझेंगे, तो आप एक ही मिनट में 48 फॉर्मूलास लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होना जरूरी है, क्योंकि अलर्ट एंगल जो है वह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज करते हैं। तो फंक्शंस कौन से, आपके पास दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि साइन ऑफ फंक्शन एंड कोसाइन ऑफ फंक्शन, यानी कि साइन कॉस, ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। और इससे हम क्या टैन कॉट सेक एंड कोसेक, एक चार फंक्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम इसको डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो यह कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेता हूं। एंगल को समझ ले, आपको पता है कि हम एंगल्स को काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो निगेटिव होता है। यानी कि रोटेशन आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे लेंगे क्लॉक के अपोजिट साइड में तो वहां पॉजिटिव रहता है, और अगर क्लॉक के साइड से लेंगे तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है हमारा वो 0 to 90 के बीच में होता है। सो यानी कि 0 to π/2 के बीच एंगल आता है तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। π/2 to π के बीच में एंगल आएगा तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। π/2 to 3π/2 में एंगल आएगा तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और 3π/2 to 2π के बीच में आएगा तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, और यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 to π/2 यानी कि 0 to 90 degree, π/2 to π यानी कि 90 to 180 degree, π/2 to 3π/2 यानी कि 180 to 270 degree, और 3π/2 to π यानी कि 270 to 360 degree। सो अबे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में जाता है। जब तक आपको आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको पहले समझना होगा, जानना होगा कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब आपको यह समझना है कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन से एंगल में, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से फंक्शंस पॉजिटिव या नेगेटिव बनेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में हमारे 6 यानी कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और उसका रिसिप्रोकल यानी कि कोसेक, साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन एंड कॉट ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड उसका रिसिप्रोकल जो है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। गौर से सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड उसका रिसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक उसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। सो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिमेनिंग 4 फंक्शंस आर नेगेटिव। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है सो रिमेनिंग 4 फंक्शंस आर नेगेटिव। यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव है तो रिमेनिंग 4 फंक्शंस 4 क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव। तो इसको हम सिंपल याद रखते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर से साइन और कोसेक लेंगे, टी से टैन और कॉट लेंगे, कप से कॉस एंड सेक लेंगे। चलो तो आपको पता चला है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे, और आपको ये भी पता है कि आपका जो एंगल आएगा वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये दो जो ट्रिक्स है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव और निगेटिव है, सिर्फ आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना है। इससे आप 48 फॉर्मूलाज को एक ही मिनट में रिमराइज कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको आसान सी ट्रिक्स बता देता हूं कि सबसे पहले दो रूल्स आपको याद रखने होंगे। पहला रूल है π/2
थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, गौर से देखिए यहाँ पे वन लिखता हूं, सो वन थ्री फाइव यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो आपके एंगल्स में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आता है तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा आपका एंगल है और थ्री पाई बाई टू आपका सब मल्टीपल एंगल है, तो क्या हुआ, तो साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू आया, तो यहाँ पे क्या आया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आया। जब भी आपको अलग एंगल का यूज करना होता है, आपके पास क्या आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आता है, तो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है, थीटा को वैसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आया है, इसलिए हम साइन होगा तो कॉस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। तो पहला रूल क्या है, गौर से देखो कि अगर आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा एंगल के बीच में, तो आपको पहले क्या करना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आता है तो साइन को, साइन का कॉस करेंगे, कॉस का साइन करेंगे, यानी कि साइन होगा तो कॉस होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, टेन होगा तो क्वाट करेंगे, क्वाट होगा तो टेन करेंगे, आपके पास सेक होगा तो कोसेक करेंगे, एंड कोसेक होगा तो सेक करेंगे। ये आप कब करेंगे, जब आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तब करेंगे। और यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ क्या आया, साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा आया, तो मैं पहले देखा यहाँ की क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, तो मैंने साइन का कॉस किया, एंगल को वैसे ही रखा। ये हो गई हमारी पहली ट्रिक्स। और दूसरी ट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि वो ये जो एंगल है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इसको चेक करेंगे। थ्री पाई बाई टू यानी कि 270 प्लस थीटा, यानी कि 270 हम यहां तक आएंगे प्लस होगा, तो हम कहां जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नहीं, ये फंक्शन देखना है कि साइन जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन देंगे। आपको दो ट्रिक्स बताइए, गौर से देखो। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके फंक्शन के अंदर एंगल कौन सा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी हो, आप यहाँ पे प्लस लो और माइनस लो, आया ध्यान में। तो आप गौर से सुनो, हमारी सबसे पहली ट्रिक्स क्या है कि आपका जो एंगल है वह एंगल क्या है, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो हम साइन का कॉस करेंगे, कॉस का साइन करेंगे, टेन का क्वाट करेंगे, क्वाट का टेन करेंगे, सेक का कोसेक करेंगे, कोसेक का सेक करेंगे, थीटा को वैसे ही लिखेंगे। फिर बारी आती है एंगल की, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाता है उस क्वाड्रेंट का साइन हम सिर्फ आगे लगा देंगे। अब दूसरी ट्रिक सुनो, अगर आपका जो एंगल है वह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं आता है तो क्या आएगा, वो मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, जीरो आएगा, पाई आएगा, टू पाई आएगा, थ्री पाई आएगा और फोर पाई आएगा, इस तरह से। तो अगर आपका एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऐसा बोलता हूं यानी कि इस तरह दिखेगा, इवन यानी कि टू पाई बाई टू, टू टू कैंसिल होगा पाई, फोर पाई बाई टू यानी कि टू पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो ऐसा दिखेगा। यानी कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो एंगल आता है वह क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, तो आपको किसी भी चेंज की जरूरत नहीं है। साइन होगा तो साइन ही रखेंगे, कॉस होगा तो कॉस रखेंगे, टेन होगा तो टेन रखेंगे, क्वाट होगा तो क्वाट, सेक कोसेक और कोसेक को कोसेक ही रखेंगे। सो सिंपल ट्रिक्स क्या बनती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो साइन को कॉस में, टेन को क्वाट में, सेक को कोसेक में, और कॉस को साइन में, क्वाट को टेन में और कोसेक को सेक में कन्वर्ट करेंगे। अब और उसके बाद हम क्या करेंगे, वह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है उस क्वाड्रेंट का साइन उसके आगे लगा देंगे। यही दो ट्रिक से आप 48 फॉर्मूलाज को इजीली लर्न कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं तो आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो पहला एग्जांपल लिया मैंने, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, क्वाट ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, सेक ऑफ टू पाई माइनस थीटा एंड कोसेक ऑफ टू पाई प्लस थीटा। चलो सिंपल सी भाषा में मैंने सभी टाइप की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ ले लिए हैं ताकि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, साइन फंक्शन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ क्या लिया है, पाई है, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो पहले हम क्या है,
मल्टीपल और मल्टीपल नहीं है तो सभी जब और मल्टीपल नहीं होते तो फंक्शन एज इट इज आते हैं, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होंगे तभी फंक्शन चेंज होंगे। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है तो हम साइन को साइन ही रखेंगे, थीटा को एज इट इज रख देंगे। सो सवाल सिर्फ है यहाँ पे प्लस साइन देंगे या माइनस साइन देंगे वह इस पे डिपेंड है। पाई प्लस थीटा, पाई मीन्स 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब यहां से हम क्या जाएंगे आगे जाएंगे तो हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है निगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या देंगे निगेटिव साइन देंगे। यहां से हमारा फॉर्मूला क्लियर हुआ। यहाँ देखो मल्टीपल ऑफ क्या है पाई बाय टू, मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल पाई बाय टू है तो हम साइन को क्या करेंगे कॉस, थीटा को एज इट इज रख देंगे। तो फिर से 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 माइनस थीटा, हम घूमकर यहां आते हैं तो यहां पे क्या बनेगा 270 से माइनस हो रहा है तो हम पीछे आएंगे यानी कि हम फिर से आए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव तो हम यहां पे माइनस साइन देंगे। अगले प्रॉब्लम देखो यहां पे क्या है पाई होगा यानी कि क्या हुआ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू बना। सो हम पाई जब होता है तब हम फंक्शन चेंज नहीं करते, क्वाट का क्या बना क्वाट थीटा वैसे ही बनेगा। क्वाट पाई माइनस पाई मीन्स 180 माइनस यानी कि हम यहां से यहां तक आए तो 180 बनेगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कहां जाएंगे पीछे, पीछे गए तो कहां गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वाट क्या बनता है निगेटिव बनता है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा निगेटिव आएगा। अगले प्रॉब्लम में देखिए टेन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, अब यहाँ पे क्या आया पाई बाय टू, जब मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू आता है तो हम क्या करते हैं फंक्शन को चेंज। सो टेन को क्या बनाएंगे कॉट, थीटा को ऐसे ही रखेंगे। अब सवाल रह गया सिर्फ साइन का, यहाँ प्लस देंगे या माइनस। सो पाई बाय टू प्लस, पाई बाय टू मीन्स 90 प्लस यहाँ पे 90 प्लस यानी कि आगे जाएंगे हम कहा आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है निगेटिव तो यहाँ पे क्या आया माइनस कॉट थीटा। अब यहां देखो सेक ऑफ टू पाई है, टू पाई यानी कि आपको बताया है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होगा, अगर ये इवन मल्टीपल है तो हम सेक को क्या रखेंगे सेक, थीटा को ऐसे ही पुट करेंगे टू पाई माइनस, हम घूम के यहां से ऐसा आए तो टू पाई बनेगा माइनस यानी कि पीछे आएंगे तो हम गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है पॉजिटिव तो यहां पर क्या साइन आएगा पॉजिटिव। अब लास्ट प्रॉब्लम को देखिए कोसेक ऑफ टू पाई प्लस थीटा, अब टू पाई है यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है तो हम कोसेक को कोसेक ही रखेंगे, थीटा को पुट करेंगे टू पाई प्लस थीटा। पूरा चक्कर लगाने के बाद टू पाई कंप्लीट होता है प्लस यानी कि आगे जाना होगा तो हम कहां गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव तो हम यहां पे क्या देंगे पॉजिटिव साइन देंगे। इस तरह से आप साइन के छह प्रॉब्लम कौन से होंगे देखिए पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा एंड टू पाई माइनस थीटा। इस तरह से कितने प्रॉब्लम्स हुई है एट फॉर्मूलाज हुए, तो एक फंक्शन के एट फॉर्मूलाज यानी कि सिक्स फंक्शन के कितने हो गए 48 फॉर्मूला। सिर्फ एक ट्रिक से आप ये 48 फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। ट्रिक्स बहुत ही आसान है, गौर से सुनो मैं इसको रिकैप दे देता हूं कि अगर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस और माइनस थीटा होता है और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस और माइनस थीटा होता है तो फंक्शन को चेंज करना होगा। साइन को कॉस लिखेंगे, कॉस को साइन, टैन को कॉट, कॉट को टैन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक लिखेंगे और थीटा को ऐसे ही रखेंगे। फिर वो जो एंगल है वह कौन से क्वाड्रेंट में जाता है उसका साइन वहां पे लगा देंगे। अब अगर मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा पाई बाय टू होगा यानी कि सीधा पाई आएगा पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई व्हाटएवर, सो वहां पे हमें फंक्शन चेंज नहीं करना है, थीटा को वैसे ही लिखना है, सिर्फ चेक करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन का साइन क्या है उस साइन को लगा देंगे। ये दो ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक ही मिनट के अंदर आप 48 फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस ट्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।